नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण में जैसा कि आपने देखा होगा कि कोऑर्डिनेट के इस भाग से ग्रुप डी की परीक्षा में लगातार प्रश्नों का आना इस बात को प्रमाणित कर देता है खुद में कि ये टॉपिक जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें मैं आपको आज जो चीज़ें सिखाने जा रहा हूँ आपने बहुत ढंग से नहीं पढ़ी होंगी और आप देखेंगे कि आज आप पढ़ने के बाद कभी नहीं भूलेंगे और बहुत सरल तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, द्विघात जो रेखीय समीकरण होता है, सबसे पहले तो आप इसको समझ लीजिए कि ये होता क्या है। लीनियर इक्वेशन यानी कि रेखीय समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसमें चर जो होते हैं, वेरिएबल्स जो होते हैं, उनकी घात एक रहती है। आप इसको समझिएगा, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस में ये सी यानी कि कोई भी कांस्टेंट टर्म और बराबर में जीरो कर दूँ, और मैं यदि पूछूं कि ये क्या रेखीय समीकरण है, तो आप कहेंगे यस सर, ये एक रेखीय समीकरण होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स वेरिएबल, एक्स चर राशि और वाई चर राशि दोनों की घात जो है वो एक है। तो ऐसा कोई भी समीकरण जिसमें चर राशि की घात एक हो वो किसमें आएगा, रेखीय समीकरण में। ठीक, इस पर हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे एक आपके सामने एक क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में शिफ्ट वन में पूछा गया था, डेट नहीं लिखी है। बहुत सिंपल सी चीज पूछी गई थी, एक्स और वाई के मान क्या होंगे। तो अभी तक आप कैसे करते हैं इस चीजों को, क्या है उसकी अप्रोच, मैं आपको यहां पर सिखाने जा रहा हूं। जैसे पहली इक्वेशन लिखी है यहां पर 2x प्लस में 3y, और ये जानते हैं आपके आगे आने वाले चीजों में काम आएगी जब हम लोग ये सीखेंगे कि दो रेखीय समीकरण दिए हो तो कब उनके कोई भी हल नहीं होते हैं, कब उनका सिर्फ अकेला हल होता है या कब बहुत सारे हल होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, इसको भी इसी से सीखेंगे क्योंकि बेस आधार यही है। तो पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 13, और दूसरा दिया हुआ है 3x प्लस में 4y बराबर में 18, ये दिया हुआ है। अब ध्यान से समझना है कैसे करेंगे, इस चीज को समझेंगे। ठीक, यहां पर हमसे x और y दोनों के मान पूछा है, क्या करना है आप सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं आपको जो चीज सिखाने जा रहा हूं, देखो, जब आपको x का मान निकालना है तब आपको क्या करना है, और जब आपको y का मान निकालना है तब आपको क्या करना है। जब आप x का मान निकाल रहे हो तब आप x वाले को मूंद लीजिए, ढक दीजिए। देखिए, मैंने x वाले को अगर ढक दिया तो मेरे पास क्या बचेगा, ये दोनों हिस्से, तो मैं इन दोनों का त्रिक गुणा कर लेता हूँ। शुरुआत इससे करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, शुरुआत इससे करेंगे, बाद में ये आएगा। तो 18 × 3 = 54 माइनस 13 × 4 = 52 बटे में क्या आएगा, अब जरा ध्यान से समझिएगा। जब बटे वाली चीज लिखेंगे ना तो आपके पास जो कांस्टेंट टर्म होगा आप इसको ढक लेंगे। ठीक, ये कांस्टेंट वाला ढकेंगे, तो जब कांस्टेंट वाला ढक लिया, अब देखिए शुरुआत किधर से करनी है, ये कितना था 13, अब देखिए इसको ढकने के बाद शुरुआत किधर से करेंगे, आप ऐसे करेंगे, अभी तक आपने ऐसे करी थी, अभी आप ऐसे करोगे, 3 × 9, और ये याद कैसे रखोगे आप, हम अभी बता रहे हैं, और 4 × 2 = 8 घटा लीजिए। ठीक, तो 54 में से 52 माइनस होगा 2 बचेगा, और 9 में से 8 माइनस होगा 1 बचेगा, तो 2/1 का मतलब x का मान आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक, ना किसी समीकरण को बराबर करने की जरूरत है ना कुछ, और सीधे आपका आंसर निकल आया। आप एक चीज को अभी मैं आपको यहां पर और गौर से बताऊंगा, आप सुनिएगा। ठीक है, पहले इस चीज को समझ लीजिए कि ये ऐसे ऐसे वाला जो क्रॉस होता है ना सर, इसको याद कैसे रखेंगे, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगा, पहले एक बार और समझ लीजिए। अब आपको y का मान निकालना है तो आप y वाले को ढक दीजिए, ढक दिया, y वाले को ढक दिया, अब y वाले के बाद इसका गुणा इसमें, तो 13 × 3 = 39 माइनस 2 × 18 = 36 बटे क्या आएगा, समझिएगा, इसको वापस लाए, इसको ढकेंगे, फिर उसके बाद 3 × 9 और माइनस 4 × 2 = 8, तो 39 में से 36 3 आ जाएगा और 9 में से 8 1 आ जाएगा, यानी y का मान आपके पास 3 आ जाएगा। सर ये याद कैसे रखेंगे, आप सुनिएगा कैसे याद रखोगे, जब आप x का मान निकाल रहे होगे तो ऊपर वाली चीजें कैसे रखोगे, या ध्यान समझना, आप स्मॉल r लिखना जानते हो, स्मॉल r
एक होता है कैपिटल आर, एक होता है स्मॉल आर। तो स्मॉल आर कैसे लिखा जाता है, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो आप ऊपर लिखिए स्मॉल आर, क्या मतलब है सर जी, इसमें आर कहां से आ रहा है, सुनिए। और नीचे लिखिए जैसे अल्फा लिखा जाता है, क्या लिखा गया अल्फा, ये एक्स का मान है। बोले अरे सर ये क्या बता रहे हो, हाँ देखिएगा अभी कैसे। और वाई के मान के लिए दोनों ही जगह आप अल्फा लिखिए, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों जगह अल्फा। कैसे, क्या मतलब है इस चीज का समझना। मैं इक्वेशन फिर से लिख देता हूं, गचर पचर हो गई इक्वेशन को, मैं फिर से लिख देता हूं 2x + 3y = 13। एक चीज समझिएगा, बाकी सारी चीजें आप इतनी तेजी से करेंगे, 3x + 4y = 18, राइट। अब समझिएगा, देखिए चार कैसे बन रहा है, आप समझना। अब देखो चार कैसे बन रहा है, बोले सर चार या आर जो है ना वो ऐसे बन रहा है, शुरुआत किधर से हुई, इधर से, फिर ऐसे है। तो x का मान निकालने में आप x को छुपाइए, अब बनाइए यहां पर स्मॉल r, देखिए ये स्मॉल r बन गया, बन गया। शुरुआत कहां से हुई, 3, 3 का गुणा 18 में तो 54, फिर उसके बाद इधर आए, फिर 4 का गुणा 13 में तो 13 चौको 52, ठीक। अब मैं नीचे आ रहा हूं अल्फा में, अल्फा के लिए मैंने इसे छुपाया था, इन दोनों में काम कर रहा था, इसे छुपा लिया। अब बनाइए यहां पर अल्फा, अल्फा देखिए कैसे बना अल्फा, अल्फा में 3 इधर पे आया, 3 × 3 = 9 लिखा, फिर उसके बाद ये इधर गया, 2 × 4 = 8 लिखा। बात समझ में आई, सेम काम आपको वाई के लिए करना है ऐसे ही डिट्टो करके, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आप ये बात याद रखिएगा, ये आप इंपॉर्टेंट चीज है जिसको याद रखिएगा और देखते ही आंसर मिलेंगे आपको, ठीक। अच्छा आप एक चीज देखना, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं जो आपके आगे भी काम आएगी, यहां पर एक्स का गुणांक और यहां पर एक्स का गुणांक अलग अलग है, यहां पर एक्स का गुणांक 2 है, यहां एक्स का गुणांक 3 है, यहां पर वाई का गुणांक और यहां पर वाई का गुणांक ये भी अलग अलग है। तो आप एक चीज समझो, जब एक्स और वाई के गुणांक अलग अलग होते हैं तब हम एक्स और वाई का अलग से कंप्लीट मान निकाल पाने में सक्षम होते हैं। ये बात हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। आते हैं इस पर, अगली क्वेश्चन देखिए, ये भी 16/1/2009 कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया था। इक्वेशन क्या है, 5x + 2y = 22 लिखा हुआ है और नीचे है 2x + 3y = 11 लिखा है, ठीक। क्या लिखा है, 11। अब समझना, x का मान अगर आपको निकालना है, x का मान, तो x के मान के लिए ऊपर स्मॉल r, नीचे अल्फा, स्मॉल r, x का मान निकालना है, x छुपा लीजिए, स्मॉल r बनाइए, स्मॉल r 22 × 66 स्मॉल r में, सॉरी इधर से आएंगे ना स्मॉल r, तो 11 × 22 फिर इधर गए तो 22 × 66 नीचे क्या आ जाएगा सर, इसको के बाद इसको छुपाना है और नीचे अल्फा बना देना है, इसको छुपा लीजिए, यहां से अल्फा बनाइए, देखिए अल्फा 2 × 4 − 5 × 15, ठीक है, समझ पाए। तो यहां पे ऊपर आएगा माइनस का 44 और नीचे आ जाएगा माइनस का 11, माइनस से माइनस खत्म, 11 × 44। एक्स का मान कितना आ गया, वाई 4। अब वाई का मान निकालिए, तो वाई के मान के लिए क्या होता है, अल्फा अपॉन अल्फा, वाई छुपा लीजिए, अब y छुपा लीजिए, तो जैसे ही y छुपाया अब यहां पे अल्फा बनेगा, देखिए अल्फा कैसे बन रहा है, 22 × 44 तो यहां पर लिखा 44, ठीक। देखिए अल्फा ऐसे बनेगा, y छुपाने में मतलब y को गायब कर दिया, अल्फा बना तो 22 × 44 − 11 × 55। अब नीचे क्या आएगा इसमें, सर नीचे भी अल्फा होता था, तो नीचे अल्फा के लिए जो इक्वेशन थी उसको दोबारा से लिख लेते हैं, 5x + 2y = 22 था और दूसरे में था 2x + 3y = 11 था। एक बार अगर ये चीज समझ गए तो मजे ही मजे हैं, आप समझ लीजिए, आप देखते ही आंसर बताने लगोगे खटापट खटापट खटापट। अब y को छुपाने के लिए नीचे वाला हिस्सा जो है ना उसमें इसको छुपाना पड़ेगा, इसको छुपा लिया, अल्फा लिखना था, देखिए अल्फा लिखते हैं 2 × 4 = 5 × 15 −15 ऊपर क्या दिख रहा है, माइनस का 11, नीचे क्या दिख रहा है, माइनस का 11, कट जाएगा, क्या बचेगा, 1। एक्स का मान 4, वाई का मान 1, सेटिस्फाइड कर लो, आंसर मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, ये देखिए अगला सवाल सेम चीज पर है, यहां माइनस भी लगा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं कि सर माइनस लग गया तो अब क्वेश्चन कठिन हो जाएगा, नहीं। तो सेम काम करना, 2x − 3y = 5, सेम काम 5x
प्लस टू वाई बराबर 22, ठीक है। ठीक, सेम इस तरीके से फॉर्मेट में चेंज करने के बाद जो काम कहा था, x का मान देखिए ऊपर क्या लिखा जाएगा, r, पहले x को छुपा लो, r लिखना है, लिखो यहां पर r, r लिखो, r, r लिखो, तो 22 तेईस लेकिन 66 लेकिन माइनस का, और फिर घटाना तो होता ही था, उसके बाद 5 दूनी 10, नीचे आ जाइए, ठीक, इसको छुपा लीजिए कॉन्स्टेंट वाला टर्म, यहां पर लिखिए अल्फा, देखिए अल्फा लिखिए अल्फा, तो 5 तेईस 15 माइनस का, और फिर घटाना होता है तो 2 दूनी 4, ऊपर क्या आएगा माइनस का 76, नीचे क्या आया माइनस का 19, ये क्या बनाया आपके पास, x का मान आया 4, x का मान 4 आ गया, y का मान चाहो तो इसमें से रख के भी निकाल सकते हो या जैसे मैंने बताया वैसे भी निकाल सकते हो, दोनों ही बातें, ठीक। तो यहां से आपको एक जो रेखीय समीकरण में x और y के मान निकाले जाते हैं ये आपको क्लियरिटी मिली कि आप किस ढंग से निकाल भी सकते हो। बोलो ठीक है, ये बात आपको छोटी सी याद रखनी है कि x के लिए क्या करना है, x के लिए r अपॉन अल्फा और y के लिए अल्फा अपॉन अल्फा, ठीक, ये बात आप याद रखो। अब हम लोग आते हैं जो मेन मुद्दे की बात है, मेन मुद्दे का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे हर चीज पे प्रश्न पूछे ही गए हैं इस बार हर सत्र में, कि जब कोई रेखीय समीकरण दिए होते, जैसे यहां पर मान लीजिए दो रेखीय समीकरण होते कि a1x plus b1y plus c1 बराबर 0 दिया होता और यहां पे लिखा होता a2x plus b2y प्लस सी टू बराबर में 0 दिया होता, ठीक। अब इसमें कहता है कि अगर कोई हल ना हो तो क्या होगी कंडीशन, अगर जब एक हल हो तो क्या होगी, जब बहुत से हल हो तो क्या होगी। तो इसके लिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखे हैं ताकि मैं आपको चीजें सिखा पाऊं। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई सोल्यूशन जब नहीं होता है, नो सोल्यूशन की कंडीशन होती है, याद रखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई के मान बताओ तो क्या आप बता पाओगे, बोले सर संभव नहीं है। अगर मैं x को बराबर करूंगा तो सर y भी बराबर हो जाएगा, और जब x और y बराबर हो जाएंगे तो कट के 0 आ जाएगा, तो x और y के मान संभव नहीं होंगे निकालना। तो कहने का मतलब यह है कि नो सोल्यूशन की स्थिति कभी जीवन में नहीं भूलोगे, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। मैं क्या बोल रहा हूं कि दो रेखीय समीकरणों में अगर x और y के अनुपात बराबर होते हैं, किसके किसके, x और y के, जैसे यहां पर अनुपात 1:2 का है, यहां पे भी अनुपात 1:2 का है, अगर x और y के अनुपात बराबर होते हैं लेकिन कांस्टेंट टर्म के अनुपात बराबर नहीं होते हैं, तब वो स्थिति क्या कहलाती है, नो सोल्यूशन की, मतलब सॉल्व हो ही नहीं सकते। आप सॉल्व करके देखो इन दोनों को, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो वही मैं बोल रहा हूं कि x के अनुपात और y के अनुपात बराबर है लेकिन जो कांस्टेंट टर्म था उसका अनुपात बराबर नहीं है, तो कोई भी हल ना होने की स्थिति क्या होती है। अगर इन दोनों रेखीय समीकरण को देखेंगे, a1 अपॉन a2 जो होगा वो b1 अपॉन b2 के बराबर होगा, लेकिन किसके बराबर नहीं होगा मित्र, c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, अगर आप चीजें समझ पा रहे हैं तो कमेंट किया करो ज्यादा से ज्यादा, क्लास में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे ना तो कमेंट करने से भाई देखो क्या होता है, मुझे उत्साह मिलता है, आपके एक अच्छे कमेंट देख के मुझे ये लगता है यार मैंने चीज क्या दी बच्चों को जिसका मुझे अप्रिशिएशन मिल रहा है, मुझे एक साहस मिलता है कि मैं और अच्छा करूं, ठीक है। अब मैं आता हूं कि जब दो रेखीय समीकरणों का सिर्फ एक हल हो, अभी मैंने आपको एक चीज दिखाई थी और बताई भी थी, अगर मैं बोलता हूं यहां पर जैसे ये इक्वेशन लिखी है इसके सामने, मैंने इसका जो समीकरण लिखा उसको यहां पर लिख लिया बराबर 13, और यहां पर मैंने लिख दिया है 3x प्लस 4y बराबर 18, ये लिखा है। आप एक चीज देखो, यहां पर अगर x और y के मान निकालने को बोला जाएगा आराम से निकाल लोगे, तो क्यों निकाल लोगे, क्योंकि x के गुणांक आपस में बराबर नहीं है, x के गुणांक आपस में बराबर नहीं है और y के गुणांकों का अनुपात आपस में बराबर नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं समझना, यूनिक सोल्यूशन यानी सिर्फ एक ही हल होने की स्थिति यह होती है जब x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात आपस में बराबर नहीं होता। तो मैंने ये चीज यही लिखी कि जब x के गुणांकों का अनुपात, देखो यहां पर x का गुणांक a1 है, यहां पर x का गुणांक a2 है, तो जब इनका अनुपात इसके अनुपात के बराबर ना हो तब आप x और y के एग्जैक्ट मान निकाल सकते हो। मेरी बात समझे? जैसे आप अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे
तो आप आसानी से x और y के मान अलग अलग निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, तीसरी कंडीशन पढ़ाते हैं जब बहुत से हल होते हैं, बहुत से हल। ये स्थिति सिर्फ और सिर्फ तभी होती है जब x और दोनों ही समीकरणों में x के गुणांक, y के गुणांक और z के गुणांक यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म, ये तीनों बराबर हो जाते हैं। जैसे मैं आपको यहां बताऊं, ये लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 13, यहां पे लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 13। हम कहते हैं इसको सॉल्व करके आप x और y के मान निकालो। तो आप कहोगे सर जी इसमें तो तमाम मान हो सकते हैं x और y के। कैसे हो सकते हैं भाई, x की जगह अगर मैं 2 रख दूं और y की जगह 3 रख दूं तो 13 आ जाएगा। x की जगह कोई दशमलव की संख्या, y की जगह कोई दशमलव की संख्या आ जाएगी, दोनों का गुणा करके जोड़ेंगे तो भी 13 आ जाएगा। या और कोई दशमलव की संख्या आ जाएगी, रख के गुणा करेंगे ना तो भी 13 ही आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस और नो, बोलो हाँ या ना, क्लैरिटी के साथ, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले नहीं सर। तो ये जो अनेक हल होने की स्थिति होती है, ये तब होती है जब रेखीय समीकरण के दोनों x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और कांस्टेंट टर्म यानी कि नियत पदों के अनुपात आपस में बराबर होते हैं, ठीक। ये कंडीशन तीनों आपको याद रखनी है और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज आप समझ पाओ, ये आपने अभी तक याद की होगी लेकिन ये नहीं समझा होगा कि ये आता कहां से है। तो आज मैंने आपको ये सिखाया, मुझे उम्मीद है। अगर ऐसा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हाँ ये बात मुझे आज पता चली। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक प्रश्न दिया है 2018 में पूछा गया था, कह रहा समीकरण में जब कोई हल संभव ना हो, नो सोल्यूशन हो, नो सोल्यूशन की स्थिति क्या होती है? अभी आपने पढ़ी, जरा देखिए पहली वाली, नो सोल्यूशन की स्थिति क्या होती है? जब दो गुणांक जो होंगे x और y के वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। x और y के गुणांक क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो यहां पर x का गुणांक क्या है पहली बार में? 14 लिख देता हूं, a1 अपॉन a2, ये बराबर होगा किसके? b1 अपॉन b2 के। कब? जब कोई हल संभव नहीं होगा, ठीक। तो a1 क्या है? 21 और इसका गुणांक 14 है ऊपर, है ना। ऊपर क्या है पहला वाला? 14 और नीचे क्या है? 21 बराबर। b1 क्या है? 8 है और नीचे b2 अगर मैं निकालूंगा तो माइनस k आएगा। बहुत साधारण सी बात, 2 7 14 7 2 14 7 3 21, 2 से काट लीजिए 4 बार, k का मान 4 3 12 और वो भी माइनस का। तो ये जो मान पूछा था k का वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं, देख लीजिए ये भी सवाल अगला। k का वह मान ज्ञात करना है जब कोई हल ना हो, कोई हल ना हो का मतलब नो सोल्यूशन। ये नो सोल्यूशन पर प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चा अक्सर इसकी कंडीशन भूल जाता है, नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन होने की स्थिति अभी मैंने आपको बताई क्या थी, बताइए भाई, कि a1 अपॉन a2 ये बराबर होगा b1 अपॉन b2 के और जो बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2 के, ये पूरी कंडीशन होती है। तो यहां पर आपको मान चाहिए था किसका? k का, है ना। तो अब चलो पहला वाला जो है x का गुणांक वो क्या है? 16। दूसरे वाले में x का गुणांक क्या है? 12 बराबर। पहले वाले में y का गुणांक क्या है? -12। इस बात को ध्यान से देखिएगा, साइन मत भूलिएगा, जो चिन्ह है उसको चिन्ह के साथ ही लेना है। और यहां पर y का गुणांक क्या है? सर k है। मैंने कहा ठीक है। अब आप देखो 12 × 12 144 माइनस का बटे में 16, ये मान हो जाएगा k का। तो काटेंगे तो -9 आ जाएगा k का मान। k का मान क्या हो जाएगा? -9। बोलो क्लियर है क्या? स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। नेक्स्ट, अगला सवाल कह रहा कोई हल संभव ना हो, ये तो कह रहा है कि कोई हल संभव ना, इफ नो सोल्यूशन इज पॉसिबल। आप देखिए हर बार, लगभग लगभग हर बार ग्रुप डी की परीक्षा में नो सोल्यूशन वाला जो चीज है वो पूछी जाती है। तो इंपॉर्टेंस देखिए, यूनिक सोल्यूशन में, एक हल में, कई हल में और किसी भी हल में ना होने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी आ रही? बोले सर कोई हल ना होने की। चलो फिर से वही, अब कंडीशन ना लिखते हुए सीधे लिखते हैं। पहला गुणांक 20x का, दूसरा कितना है? 50 है, 50 लिख दिया। उसके बाद यहां पर देखें y का पहला गुणांक क्या है? 5 है, 5 लिख दिया। वहां देखिए y का पहला गुणांक क्या है? k है, k लिख दिया। बस 2 से 2 काट लीजिए, यहां पर क्या आ जाएगा? 25/2 और 25/2 जो होगा k हो जाएगा। 25/2 का मतलब 12.5,
सही जवाब क्या होगा? 12.5। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन। एक रेखीय समीकरण दिया है, कह रहा है कि जोड़ों के हलों की संख्या क्या होगी, आपको बताना है इसमें कितने हल होंगे, एक होगा, कई सारे होंगे या कोई नहीं होगा, आप समझना। इसके गुणांक लिखिए जरा, देखिए पहला x का गुणांक क्या है, बोले सर एक है, फिर देखिए उधर से x का गुणांक क्या है, सर दो है, यहां से y का गुणांक क्या है, सर y का गुणांक दो है, उधर पे y का गुणांक क्या है, सर y का गुणांक चार है, फिर देख लो यहां पर z का गुणांक क्या है, z का गुणांक -8 है, और उधर पे z का गुणांक अगर देखोगे तो -16 है। तो आप एक चीज को समझने की कोशिश करना, बोले सर क्या, मैंने कहा देखो ये तो 1/2 अनुपात है ही, अगर मैं इसको मिनिमाइज करूंगा तो ये भी 1/2 आ जाएगा, और अगर मैं इसको भी मिनिमाइज करूंगा तो ये भी 1/2 आ जाएगा, यानी तीनों अनुपात बराबर हैं, और तीनों अनुपात जब बराबर होते हैं, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, तो ये कंडीशन कब की होती है, बोले सर ये तो कंडीशन तब की होती है जब अनेक हल होते हैं, यानी मैनी सोल्यूशन होते हैं, और मैनी सोल्यूशन जिसको अनेक हल कहते हैं, इसको हम लोग ये भी कहते हैं ना कि इसके अनंत हल होंगे, और अनंत को ही मैथ की भाषा में क्या कहा जाता है, बोले सर इनफाइनाइट। तो मैंने कहा ऑप्शन नंबर सी आंसर आप ही ने बता दिया, ठीक है चलिए। आइए अगला प्रश्न। पी के किस मान के लिए निम्न समीकरण का केवल एक हल होगा, एक ही हल होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। तो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है मेरे दोस्त, कि x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं होगा, अर्थात a1/a2 किसके बराबर नहीं होगा, b1/b2 के बराबर नहीं होगा। तो यहां a1 क्या है, 2 है, a2 क्या है, 2 है, बराबर यहां पर नॉट इज इक्वल टू, यहां पर ये क्या है, बोले सर 3 है, यहां पर क्या था, p था, 2 से 2 को काट दीजिए, p का मान किसके बराबर नहीं होगा, बोले सर 3 के बराबर नहीं होगा। देखिए ये ऑप्शन किसमें है कि p का मान 3 के बराबर नहीं होगा, 3 के अलावा कुछ भी हो सकता है, साफ साफ ये कह रहा है p का मान किसके बराबर नहीं है, बोले सर 3 के, तो आंसर किसके साथ जाना चाहिए, कह रहा p का एकमात्र मान 3 है, नहीं हो सकता है, p के सभी मान हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, 3 ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। कह रहा p का मान 3 के अतिरिक्त कोई भी संख्या, बिल्कुल सही है, 3 नहीं होगा, 3 के अलावा कुछ भी हो सकता है, ये तो गलत है ये, ठीक। तो आपने देखा कि इस पर प्रश्न जो आधारित होते हैं बहुत सारे पूछे जाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको बेहद पसंद आएगी, आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे और उसके बाद कमेंट जरूर करेंगे, ताकि मुझे एक उत्साह मिलता रहे कि इसी प्रकार के क्लासेस छोटी छोटी जिसमें मैं कॉन्सेप्ट के साथ शॉर्ट ट्रिक भी और अंडरस्टैंडिंग भी आपके लिए बेहतर बना के लाता हूं। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।